जी इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जारी किया है ऑडियो लीक्स के हवाले से। आपको याद हो कि जो पीडीएम सरकार थी, डेढ़ बरस की जो उनकी हुकूमत थी, उसमें उन्होंने कुछ दरख्वास्तें दायर की थी। एक दरख्वास्त खास तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कि इनके खिलाफ रेफरेंस लाया जाए और इनको हटाया जाए, इनको काम से रोका जाए, इनका इनके खिलाफ तहकीकात की जाए। इसी तरह खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले से उनकी जो सास की गुफ्तगू थी उसको उसके ऊपर शोर मचाया गया और ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो एक सियासी जमात की जानिब झुकाव रखते हैं और उनकी फैमिली जो है वो इसमें शामिल है। और एक और जज थे, उनकी ये टोटल मजमूई तौर पर तीन को जजेस हैं जिनके ऊपर ये शोर मचाया गया कि ये मुलव्वस हैं, पीडीएम सरकार के खिलाफ हैं और इमरान खान के हमायती हैं और फलां फलां। चौधरी परवेज इलाही की जो ऑडियो थी मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ गुफ्तगू की उसको उसके ऊपर शोर मचाया गया और ये जो दरख्वास्त थी कि इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए इसके ऊपर आज फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने और 32 सफात पर तफसीली जो फैसला है उसको जारी किया गया है। और आपको पता हो कि इसकी हुकूमत उस वक्त जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसने जस्टिस फायज ईसा को कमीशन बनाकर उसकी सरबराही दी थी कि आप तहकीकात करें और इस फैसले में अब ये कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो चूंकि ये फैसला जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद लिखा है, उन्होंने इस फैसले में वाज तौर पर लिखा है कि पीडीएम सरकार ने अदालतों के ऊपर हमला कर रखा है और ये जो दरखास्त है जजेस को जजेस की जो ऑडियो लीक्स का शोर है ये भी इसकी कड़ी है और ये हरासा करने की कोशिश है जजेस को। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि अदालत ने हालिया तारीख में फैसले दिए लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने हवाला दिया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से, जो 5-3, 5-2, 5 रुकनी बेंच था जो उसमें 3-2 का जो फैसला आया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने किस तरह उस 3-2 के फैसले को 4-3 का फैसला करार दिया। और फिर दोबारा नजर सानी अपील में आने की बजाय इश्तियाल अंगेज तकारीर शुरू की। वफाकी वुजरा इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि वफाकी वुजरा ने अदालतों के ऊपर हमले किए, तकारीर की, मीडिया में जुमले कसे, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने अपना आप काबू में रखा और हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया। यही नहीं बल्कि ये भी लिखा कि हमने जो ऑर्डर दिया था 4 अप्रैल को, यानी जो पंजाब में जो इंतखाबात करवाने का ऑर्डर था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करवाया। आज भी पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए अभी तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह लिखा है कि जो पीडीएम सरकार थी उसने जजेस के ऊपर हर तरह से हमले किए और अंडरमाइन करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को, और ये जो दरखास्त है, ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये जजेस को हरासा करने के लिए, उनको काबू करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा है कि दरअसल ये जो दरख्वास्त है ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है और हम इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं और यूं ये दरख्वास्त अब खारिज कर दी गई है। गो कि आज जो पीडीएम की सरकार है वो मौजूद नहीं है, असम्बली ही टूटी हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने जाते जाते पीडीएम सरकार को चार्जशीट कर दिया है आज भरपूर तरीके से। और यूं अब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं उनके रिटायरमेंट को महज 1 वीक रह गया है, ये कहा जा रहा है कि ये उनके ऊपर अगेन ये तनकीद जो है वो भी शुरू हो गई है कि पीडीएम ने जब ये दरख्वास्त दी थी उस वक्त इसके ऊपर फैसला आना चाहिए था, ये आज क्यों फैसला आया है और अब आप जाते जाते ऐसे फैसले दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद हो रही है। और ये वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो पहले दिन से ही उनको हम ख्याल जजेस कभी कहा करते थे, कभी इमरानो जजेस और कभी बंदियाल कोर्ट और कभी कुछ। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्टर्स भी शामिल हैं, बड़े सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी जो जिनको 3-3 दहाइयाँ 4-4 दहाइयाँ होने को है यहाँ पर सहाफत करते हुए, लेकिन बदकिस्मती है ये कि सियासी जमातें और अदलिया तो अपने आमने सामने हैं ही, सियासी जमातें अदलिया के ऊपर हमले करती हैं उसकी वजह समझ आती है। सहाफ़ी हजरात जो हैं वो बजाय इसके कि आज मसलन अभी हम आपको ये ऑर्डर सुना रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ऑर्डर में, तो सिवाय इसके कि हम आपको ऑर्डर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हम इसके अलावा कोई आपको चीज़ नहीं बताएंगे, कोई ऐसा तबसरा नहीं करेंगे कि जिससे जुडिशरी के ऊपर कोई सवाल आता हो या जुडिशरी को अंडरमाइन करने की बात की गई हो। तो ये जो सहाफ़ी हजरात बाज हैं ऐसे जो जिनका बड़ा नाम है, जो बड़े मोतबर हैं, शाम को टेलीविजन स्क्रीनों के ऊपर बैठते हैं, लेकिन ये लोग जो है ये यहीं पे आगे पीछे कॉरिडोर में इस वक्त भी यहाँ पे ये चल रहा है और ये लोग क्या करते हैं कि ख़ास सियासी जमात के हक में एंगलिंग करते हैं अपनी खबरों की और फैसलों को छोड़ के फैसलों के ऊपर तबसरे जो है
रिपोर्टिंग छोड़ के उनके ऊपर तबसरे जो है वो करना शुरू हो जाते हैं, और फैसलों के ऊपर जो तनकीद है वो तो होनी चाहिए, उसमें जो अपने समझ है उसके मुताबिक बात होनी चाहिए, लेकिन वो कानून और आइन के अंदर रह के होनी चाहिए, ना कि आप अपनी तनकीद में कोई कानून और आइन का हवाला ही ना दें, आप सियासी हवालों से उसके ऊपर तनकीद करें, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। और चीफ जस्टिस ने ये जो आज फैसला दिया है, ये इसमें मैं भी ये कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर ये था कि जब ये दरख्वास्त आई थी, पीडीएम सरकार अपनी सीट पर बैठी थी, उस वक्त ये फैसला होता, लेकिन चलो बहरहाल आज भी अगर ये फैसला आया है तो ये भी अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस ने जाते जाते ये जवाब दे दिया है और ये क्लियर कर दिया है कि जो ऑडियो लीक्स है उसका मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट की नज़र में क्या है, और अब जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं या दीगर जो जजेस हैं वो बिला खौफ खतर अपना जो काम है वो करते रहेंगे। और इसमें जो आईनी तरीक़ेकार है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें कोई चीज़ जाती है, अगर कोई ऐसी सॉलिड चीज़ें होती हैं किसी के खिलाफ तो वहाँ पर कार्रवाई हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और इस सिलसिले में अब अगले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि बड़े पॉपुलर भी हैं जर्नलिस्ट में भी और सियासी जमातों में भी और अवामी सतह पर भी, अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी दरख्वास्त यहाँ पे आती है तो वो इसके ऊपर क्या कहते हैं और क्या वो इसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और करवाते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला लेके जाते हैं या फिर खुद से कोई एक्शन लेते हैं। बहरहाल ये आने वाले दिनों में ये दोबारा केस भी जिंदा हो सकता है, और बिलखसूस इस सूरत में कि अगर ये वाली हुकूमत जो पीडीएम सरकार थी, अगर ये दोबारा आती है तो ऐसे केसेस जो हैं ये दोबारा इस कोर्ट में आ सकते हैं। उस वक्त ये इम्तिहान होगा जस्टिस काजी फायज ईसा का, जो कि आज एक जज हैं लेकिन एक हफ्ते के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो वाज़ह तौर पर अब आखिरी टाइम में पीडीएम के बारे में जो उनका माइंडसेट है वो बता चुके हैं कि उन्होंने अदालतों के ऊपर हमले किए और अदालत के जो जजेज हैं उनको हरासा करने की कोशिश की और अदालती हुक्म नामों को तस्लीम नहीं किया, ना सिर्फ उन पर अमल दरामद रोका बल्कि अदालतों के ऊपर हमले किए। तो ये आज एक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग थी पीडीएम सरकार के अगेंस्ट, उस वक्त जो पीडीएम की सरकार थी वो कहती थी 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते, ये जजेस जो हैं ये किसी और के कहने पे फैसला करते हैं, ये इमरान खान के सहूलतकार हैं, तो आज उसका जवाब जो है चीफ जस्टिस ने जाते जाते बिलाखिर दिया है। लेकिन अगेन इसके ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि आपने ये सवाल उस हुकूमत के होते हुए इसका जवाब जो है वो क्यों नहीं दिया, लेकिन बहरहाल अदालतों के अपने मामलात होते हैं, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बहरहाल आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये एक बहुत बड़ा फैसला है, और इससे जो जजेस हैं जिनके ऊपर शिकायत थी या जिनके ऊपर एलिगेशन रोट रहे थे उनको आज ज़रूर हौसला मिलेगा कि वो खुलकर आगे बढ़ें और अपने फैसले जो हैं वो देते रहें।